नमस्ते बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा पांचवी की पाठ्यपुस्तक हिंदी के छठे पाठ मेरा बचपन भाग दो के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो बच्चों, इसके पहले हमने दो पैराग्राफ का वाचन किया, उसके सरल शब्दों के जो अर्थ थे उसको हमने समझा और कुछ प्रश्न उत्तर उसमें दिए गए थे जिनको हमने किया। आज उसके आगे का पैराग्राफ जो है उसका वाचन करेंगे, उसके कठिन शब्दों के अर्थ को समझेंगे और कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। तो देखो बच्चों, हमने कहाँ तक पढ़ा था कि महात्मा गांधी जी के जो पिता थे वह कुटुंब प्रेमी, सत्य प्रिय और बहुत ही उदार स्वभाव के थे और वह पोरबंदर के दीवान थे, यानी कि राजा के मंत्री थे। उनके पिताजी का नाम करमचंद था। वह बड़े ही उदार स्वभाव के थे। वह निष्पक्ष न्याय करते थे, बिना किसी का पक्ष लिए वो न्याय करते थे। और वह महात्मा गांधी जी के जो पिता थे वह रिश्वत से दूर भागते थे। उनकी जो माँ थी, उनकी माँ का नाम पुतलीबाई था और वह बहुत साध्वी स्त्री थी। पूजा पाठ करना उनके जीवन का अंग था। व्रत उपवास करती थी वह, बिना पूजा पाठ के वह भोजन नहीं करती थी। लेकिन जब कभी कभी वह राजमहल जाया करती थी तो अपने साथ महात्मा गांधी जी को भी ले जाया करती थी। ऐसे परिवार में महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ। वहीं के राजकोट ग्राम में उनका दाखिला करा दिया गया पढ़ने के लिए, जब उनकी आयु 7 बरस की थी। उनकी गिनती साधारण या सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों में किया जाता था। महात्मा गांधी अपने शिक्षक का, अपने बड़ों का बहुत आदर और सम्मान करते थे। वह आज भी उनको अपने शिक्षक का नाम धाम याद है। और उनके बचपन में दो घटनाओं का या दो प्रसंग का उनके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। कौन कौन सी वो घटनाएं थी, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि बच्चों कि महात्मा गांधी जी के पिता द्वारा लाई गई श्रवण पितृभक्ति किताब और उस समय गांव में जो बाइसिस को दिखाने वाले गांव-गांव फिरते थे, तो उसमें उन्होंने श्रवण द्वारा अपने माता पिता को कावड़ में बिठाकर लेके जाने की जो यात्रा थी, इस जो चित्र उन्होंने देखा था बाइसिस्को में, तो इन दोनों की उनके ऊपर बहुत ही गहरा असर पड़ा। और इसी समय नाटक की जो कंपनियां थी उसी गांव में आई थी, नाटक दिखाने की कंपनी, तो उनको भी नाटक देखने की इजाज़त मिली थी महात्मा गांधी जी को। जब उन्होंने वो नाटक हरिश्चंद्र पर था, हरिश्चंद्र के नाटक को देखने के बाद महात्मा गांधी जी का मन बदल गया। वो बोलते हैं, उन्होंने यह सोचा कि क्यों नहीं लोग सत्यवादी हरिश्चंद्र की तरह हो जाते हैं, लोग क्यों नहीं सत्य बोलते। वो अपने आप को बोलते हैं कि आज तक मुझे कभी भी याद नहीं है कि मैं कभी भी किसी से झूठ बोला होगा, तो ऐसा ये सोचते थे। और उनको हमेशा हरिश्चंद्र के ही सपने आया करते थे कि, और उनको उसके आगे की कहानी जानने की उनके मन में इच्छा होती थी। उनको संतुष्टि नहीं मिली इतने से नाटक देखने के बाद। वो उनके जीवन का महत्वपूर्ण अंग था कि सत्य पर टिके रहना, दीन दुखियों की सहायता करना, ये सब उनके महत्वपूर्ण जीवन का जो अंग बन गया था। तो यहाँ तक हमने बच्चों पढ़ा है, उसके बारे में कुछ प्रश्न उत्तर किए। अब आगे हम लोग चलते हैं, उसके आगे का पैराग्राफ का वाचन करते हैं। यहाँ तक अध्ययन पिछले वीडियो में किया था कि आज भी मेरे जीवन का मूल मंत्र बना हुआ है। यहाँ तक हमने वाचन भी किया था और इसके कुछ प्रश्न उत्तर भी हमने किया था। यहाँ पे अब आगे देखिए, मैंने पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयोगी होता है। उन्होंने कहीं सुना था, ये पढ़ा था कि किसने, मैंने का मतलब यहाँ पे मैंने जो शब्द आया है सर्वनाम, वह किसके नाम की जगह पे आया है बच्चों, महात्मा गांधी जी के नाम की जगह पे। तो मैंने पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयोगी होता है। उन्होंने किसी भी पुस्तक में या किसी भी किताब में पढ़ा था कि घूमना हवा में, खुली हवा में घूमना हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त होता है। मैंने सैर करने की आदत डाल ली। तो उन्होंने कहते हैं कि जब मैंने ऐसा सुना था कि उपयुक्त होता है हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, तो उन्होंने ये घूमने के लिए मतलब सैर करने की आदत डाल ली। इससे मेरे शरीर में कसाव आ गया। कसाव यानी बच्चों दृढ़ता। यहाँ पे देखिए,
कसाव का अर्थ होता है दृढ़ता। पढ़ाई में अक्षर अच्छे होने की जरूरत नहीं है, पता नहीं यह गलत विचार मेरे मन में कैसे बैठ गया। देखो बच्चों, जो महात्मा गांधी जी थे उनके मन में ऐसी गलत धारणा थी कि जो पढ़ाई में अक्षर अच्छे हो यह जरूरी नहीं है। तो यही कहते हैं कि पता नहीं ये मेरे मन में कैसे बैठ गया, ऐसी गलत धारणा हमारे मन में कैसे आ गया कि पढ़ाई में अक्षर का कोई महत्व नहीं होता है। देखो, इस भूल की सजा आज भी मेरे मन को मिल रही है। बोलते ये जो गलत धारणा मेरे मन में है कि पढ़ाई में अक्षर का कोई सुंदर अक्षर का कोई महत्व नहीं है, उसकी सजा मैं आज भी मेरे मन को मिलती है, आज भी मैं देखता हूँ। दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखकर मैं अपनी लिखावट पर बहुत पछताता हूँ। बोलते हैं जब मैं किसी के दूसरे के सुंदर अक्षर को देखता हूँ, दूसरे की सुंदर लिखावट को देखता हूँ, तब मेरा मन बहुत पछताता है कि क्यों नहीं मेरा भी वैसी ही अक्षर हो मोती के जैसे। तो वो बोलते हैं बाद में मैंने अपनी लिखावट सुधारने का प्रयत्न किया। मतलब बोलते हैं कि जब मुझे लगा, जब मैं पछताया कि मेरी भी लिखावट क्यों नहीं अच्छी है, तब उन्होंने बहुत प्रयास किया सुधारने का। प्रयत्न यानी प्रयास होता है, प्रयत्न करना यानी प्रयास। देखिए, तो सुधारने का प्रयत्न किया किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो बोलते हैं कि अब इतना देर हो चुका था कि अब मैं सुधार नहीं सकता अपने अक्षर को। बचपन में मुझे खेलों में रुचि नहीं थी। बोल रहे कि बचपन में मुझे खेलों में रुचि मतलब पसंद, उनको पसंद नहीं था। हमारे विद्यालय में ऊपर की कक्षा के विद्यार्थियों के लिए व्यायाम और क्रिकेट को अनिवार्य कर दिया गया था। बोलते हैं उनको तो खेलों में रुचि नहीं थी और उनके विद्यालय में जो ऊपर की कक्षाएं थी वहाँ पे व्यायाम और क्रिकेट को अनिवार्य कर दिया गया था। अनिवार्य मतलब बहुत ही जरूरी कर दिया गया था। मेरा मन इसमें नहीं लगता था। बोलते थे इन दोनों में व्यायाम करना और क्रिकेट खेलना, इसमें मेरा मन नहीं लगता था। अब मुझे यह लगता है कि खेल और व्यायाम के प्रति मेरी यह अरुचि एक गलती थी। मतलब वो समझ गए कि अब मुझे आज मुझे पता चल रहा है कि जब जो व्यायाम और क्रिकेट में जो मेरी रुचि नहीं थी वह एक गलत था। पढ़ने के साथ खेल और व्यायाम करना भी बहुत ज़रूरी है। वो बोलते हैं कि हमें पढ़ाई के साथ साथ तो खेल और व्यायाम दोनों बहुत ज़रूरी है। बाद में समझ में आया कि विद्या अभ्यास में व्यायाम अर्थात शारीरिक शिक्षा को मानसिक शिक्षा के बराबर ही स्थान होना चाहिए। मतलब उनको बाद में समझ में आया कि जो हम पढ़ाई के साथ साथ व्यायाम और शारीरिक शिक्षा को मानसिक शिक्षा के बराबर ही स्थान होना चाहिए। देखो, कुछ अलग मित्रों की सोहबत से मुझे कश खींचने का शौक हो गया। बोलते हैं कुछ गलत मित्रों की मतलब जो संगत, उनके मित्रों की कुछ ऐसी संगत थी। सोबत मतलब संगत होता है, सोहबत मतलब साथ या संगत मतलब ऐसे मित्रों के साथ वे रहते थे कि मुझे कस खींचने का शौक हो गया था। कस खींचना मतलब सिगरेट पीने की जो लत होती है, जो आदत होती है, वो उन्हें लग गया था। और बोलते हैं पैसा पास न होने के कारण, तब उनके पास पैसा नहीं था उस समय बचपन में, के कारण हमने चाचा के पीकर फेंके गए सिगरेट के टुकड़े चुराना शुरू कर दिया। मतलब पैसा नहीं था उन्हें सिगरेट खरीदने के लिए, तब वो उनके चाचा द्वारा जो पीकर फेंके गए सिगरेट थे उसको वो चुरा लेते थे, फिर उसे वो पीते थे। कुछ समय बाद अपनी गलती का एहसास हो गया। जब थोड़े थोड़े बड़े हुए तो उन्हें ऐसा लगा कि ये गलत है, ये सिगरेट पीने की जो लत है, जो आदत है, वह गलत है। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और सिगरेट पीने की आदत भी जाती रही। जब उन्हें लगा कि सिगरेट पीना गलत बात है, नहीं पीना चाहिए, इससे सेहत खराब होता है,
तब वो धीरे धीरे इस आदत को छोड़ दिए। बड़े होने पर मुझे कभी सिगरेट पीने की इच्छा ही नहीं हुई। और बोलते हैं कि जब जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया और मुझे सिगरेट से पीने की जो इच्छा थी हमारे मन में वह धीर नहीं रही, एकदम नहीं। मेरी यह सदैव धारणा रही कि किसी भी नशे की आदत जंगली, गंदी और हानिकारक सिगरेट बीड़ी का इतना जबरदस्त शौक दुनिया में क्यों है, इसे मैं कभी समझ ही नहीं सका। प्रत्येक बाल युवा प्रौढ़ को किसी भी नशे से बचना चाहिए। वे कहते हैं कि बड़े होने पर तो मेरी इच्छा मिट गई सिगरेट पीने की, इच्छा ही नहीं होती है। अब मेरी यह सदैव यही धारणा रही कि किसी भी नशे की, मतलब ये हमेशा उनके मन में यही धारणा थी कि किसी भी नशे की जो आदत है वो आदत कैसी होती है, जंगली, गंदी और हानिकारक है। मतलब कोई भी नशा हो, चाहे सिगरेट पीने, चाहे शराब पीने की, कोई भी जो लत होती है, जो बुरी आदतें होती है, वह कैसी जंगली, गंदी और हानिकारक है हमारे लिए। सिगरेट बीड़ी का इतना जबरदस्त शौक दुनिया में क्यों है, वो सोचते हैं कि सिगरेट जो बीड़ी लोग पीते हैं, इतना जबरदस्त शौक दुनिया में क्यों है, इस संसार में ऐसा शौक क्यों है, क्यों लोग पीते हैं, ये तो हमारे सेहत के लिए हानिकारक है। इसे मैं कभी समझ ही नहीं सका, बोलते इसे मैं कभी समझ ही नहीं सका कि लोग क्यों पीते हैं। प्रत्येक बाल, मतलब जो बालक होते हैं, युवा, किशोर, प्रौढ़ को किसी भी नशे से बचना चाहिए। बोलते हैं चाहे वो छोटा बच्चा हो या युवा हो, चाहे वो प्रौढ़ हो, उसे कोई भी नशा, किसी भी नशे से उसे बचना चाहिए। मोहनदास करमचंद गांधी, यह पाठ मोहनदास करमचंद गांधी जी ने अपने बचपन के बारे में लिखा है, उनकी एक आत्मकथा है। तो देखो बच्चों, आज की कक्षा में आपको जो वाचन कराया गया है, जो पढ़ाया गया है, दोनों पैराग्राफ यहाँ से ले करके और यहाँ तक, आपको इसमें से कुछ प्रश्न वाइट बोर्ड पे दिए गए हैं जिसे आपको देखना है और उत्तर आपको ढूंढना है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे वाइट बोर्ड पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जो पैराग्राफ हमने पढ़ा है उसका उत्तर उसी में है, इस सभी प्रश्नों का। तो यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है बच्चों कि गांधी जी ने पढ़ने के साथ खेल और व्यायाम को जरूरी क्यों बताया है। देखो बच्चों, गांधी जी ने पढ़ने के साथ खेल और व्यायाम को जरूरी क्यों बताया। हमने पढ़ा कि जो गांधी जी थे, उन्होंने खेल और व्यायाम को इसलिए जरूरी बताया क्योंकि उनके अनुसार पढ़ाई से, जिस तरह से पढ़ाई के कारण विद्यार्थियों का मानसिक विकास होता है, उसी तरह से खेल और व्यायाम से उनका शारीरिक विकास होता है। इसलिए इन्होंने खेल, पढ़ाई के साथ साथ खेल और व्यायाम को भी जरूरी बताया है। और दूसरा प्रश्न है बच्चों, देखो, नशे के बारे में गांधी जी की सदैव कौन सी धारणा रही। तो देखिए बच्चों, नशे के बारे में गांधी जी की सदैव यही धारणा रही है कि जो नशे की आदत है वह गंदी, हानिकारक होती है, मतलब जंगली, गंदी और हानिकारक होती है। यही उनके मन में धारणा थी कि जो नशा है, नशे की आदत जंगली, गंदी और हानिकारक होती है। अब अगला प्रश्न है, बड़ों के प्रति गांधी जी के मन में कैसी भावना थी। देखो बच्चों, बड़ों के प्रति गांधी जी के मन में हमेशा सम्मान और आदर भाव का की भावना थी। अब अगला है प्रश्न, गांधी जी को किस बात को लेकर पछतावा होता था। देखो बच्चों, गांधी जी को कौन सी ऐसी बात थी जो गांधी जी को आगे चलकर पछताना पड़ा। तो गांधी जी को बचपन में ऐसे उनके अंदर गलत धारणा बन गई कि पढ़ाई में सुंदर अक्षर का होना जरूरी नहीं है। जब वे बड़े हुए, जब दूसरों के मोती जैसे अक्षर को देखते थे, सुंदर अक्षर को, उनकी लिखावट को देखते थे, तो वे पछताते थे कि क्यों ना मेरी भी अक्षर की लिखावट ऐसी हो। तो यह जो गलत धारणा थी, इसकी वजह से वो उनके अंदर पछतावा होता था। अब देखिए अगला प्रश्न है बच्चों, आपके किताब का ही है, रेखांकित शब्दों के वचन परिवर्तित करके वाक्य पुनः लिखो। देखो वचन क्या होता है बच्चों, जिस शब्द से हमें संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, वचन। वचन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या होता है, जिस शब्द से हमें संज्ञा या सर्वनाम के किसी एक वस्तु के
एक संख्या के बारे में पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। अब दो बहुवचन किसे कहते हैं? जिस शब्द से हमें एक से अधिक संख्या का बोध होता है या ज्ञान होता है उसे बहुवचन कहते हैं। तो यहाँ पे जो शब्द रेखांकित किया गया है उसको हमें एक वचन में दिया रहेगा तो उसको हमें बहुवचन में बदलना है, और बहुवचन में दिया है तो उसको हमें किस में परिवर्तित करना है? एक वचन में। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्रश्न दिया गया है रेखांकित मतलब इसके नीचे लाइन खींचा है, उसको हमें बदलना है। और देखो, मैं अपने शिक्षकों का बड़ा आदर करता था। अब मैं क्या है बच्चों? एक वचन है, तो इसकी जगह पे हमें क्या लिखना है? हम अपने शिक्षकों का बड़ा आदर करते थे। देखो, जब हम इसमें परिवर्तन करेंगे, उसका वचन बदलेंगे, तो क्रिया भी बदल जाता है, क्योंकि क्रिया भी एक वचन में दिया है, करता था। अब इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे? करते थे। देखो बच्चों, दूसरा है, पिताजी द्वारा खरीदी हुई किताबों पर मेरी नजर पड़ी। हाँ देखो बच्चों, दूसरा था। अब इसमें देखिए, जो किताबों लिखा है वह बहुवचन है, अब इसको हमें किस में बदलना है? एक वचन में। तो पिताजी द्वारा खरीदी हुई किताबों की जगह क्या आएगा? किताब आएगा, पर मेरी नजर पड़ी। तो आपको कैसे लिखना है यहाँ पे? ये प्रश्न लिखना, फिर उसके बाद उत्तर करके लिखना, और यहाँ पे मैं की जगह आपको जो बताया गया है हम का प्रयोग करना, और यहाँ पे करते थे, इस तरह से आपको लिखना है। किताबों की जगह आपको क्या लिखना है बच्चों? किताब। और देखो तीसरा, इसी तरह से, हरिश्चंद्र के सपने आया करते थे। अब देखो यहाँ पे करते थे, सपने बहुवचन है, अब उसको हमें क्या बदलना है? एक वचन में। तो हमें लिखना है हरिश्चंद्र का, के की जगह पे क्या हो जाएगा? का हो जाएगा, का सपना, सपने की जगह पे सपना, आया करता, ऐसे आपको लिखना है। तो इसी तरह से चौथा देखिए, बचपन में मुझे खेलों में रुचि नहीं थी। अब यहाँ पे जो अंडरलाइन किया गया है, जो रेखांकित शब्द मुझे है, मुझे की जगह हमें बहुवचन बनाना है, हमें आएगा, क्या आएगा? हमें। बचपन में हमें खेलों में रुचि नहीं थी। इस तरह से आपको दिए गए प्रश्नों का उत्तर करना है बच्चों, और अपने हिंदी की नोटबुक में लिखना है। लिख करके शुक्रवार और शनिवार को आप अपने ग्रुप में भेजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।